नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं इस चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक बेस्ट एंड्रॉयड फोन के ऊपर डील की जो मैंने देखा है। 20,000 रुपये का डिस्काउंट जो आपको एक फोन में देखने मिल जाता है, मतलब 20,000 में पूरा का पूरा नया फोन आ जाएगा, उतना ही लोगों ने डिस्काउंट दे दिया एक फोन के ऊपर। और इसीलिए ये मेरे ख्याल से अभी तक की बन जाती है बेस्ट मोबाइल फोन डील जो मैंने अभी तक देखा है। तो बस इसी डील के बारे में बात कर लेते हैं क्या है और ये जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज चल रहे हैं इसमें किस तरह से आप खरीद सकते हैं इसी प्रोडक्ट को 20,000 के डिस्काउंट पे। बस बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जो फोन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी A80। हालांकि इस फोन को लॉन्च हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, मतलब अराउंड 10 महीने हो चुके इस फोन को लॉन्च हुए, पर भाई 20,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद इसको लेना काफी वर्थेड है क्योंकि जो नई प्राइस निकल के आती है डिस्काउंट के बाद वो है 22,000 रुपए। ये जब लॉन्च हुआ था तो 42,000 का था और ये लाता था अपने साथ में मिड रेंज वाला प्रोसेसर 730G, और 730G के लिए 42,000 उतना ज्यादा वर्थेड था नहीं। तो शायद उस टाइम पे फोन उतना ज्यादा चला नहीं जितना सैमसंग को जो है आशा थी अपने इस मस्त प्रोडक्ट से, क्योंकि इसमें काफी मस्त ही ट्रिक थी जिसमें वो कैमरा जो है रोटेट वाला कैमरा था, मतलब आप ऐसे ओपन करो तो वो कैमरा घूमता था। याद है एक टाइम पे जब मतलब सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स जो है कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे थे ऐसे सर्कस ट्रिक जैसा बन गया था कि उनके फोन में क्या स्पेशल है, और सभी को चाहिए थी ऐसी चमचमाती सी एकदम बेजललेस सी डिस्प्ले। और ये बेजललेस डिस्प्ले पाने के लिए सब अलग अलग ट्रिक्स अपना रहे थे, कोई कोने से एक निकाल रहा था, कोई जो है एकदम पूरे के पूरे शार्क के फिन की तरह ऐसा टेढ़ा सा मतलब ऐसे उठ के आ रहा था, कोई तो ऐसा था भाई ओप्पो कंपनी ने तो ऊपर का पूरा सेक्शन उठा दिया था, कुछ कंपनी ने ऐसे हाथ से स्लाइडिंग वाले बनाए। वहां पे आता है सैमसंग जिसने क्या किया था कि उसके जो पीछे का पार्ट है फोन का थोड़ा सा ऊपर आता है और जो मेन कैमरा है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लेआउट में आपको देखने मिल जाता है वही ऐसे घूम के जो आगे की तरफ आ जाता है। तो उससे सबसे बड़ा आपका एडवांटेज तो ये मिल जाता है कि जो आपकी फ्रंट फेसिंग सेल्फीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो आपकी प्राइमरी कैमरा से आएगी। तो बेसिकली इसमें सेल्फी का कोई कैमरा था नहीं, H2S डिस्प्ले वाला पूरा मामला था, और जैसे ही आप सेल्फी कैमरा दबाते हो ये पूरा जो एक करतब करता था मस्त ऐसे उछल के ऐसे गुलाटी मारता था, मतलब गजब का था, दिखने में काफी सही था, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा रोटेटिंग कैमरा था। उसके बाद तो खैर और भी है जिस जो आप करतब दिखाते थे फोन, जैसे कि ये Asus का 6Z वगैरह भी आया था जिसमें पूरा का पूरा ऐसे छोटी सी डिब्बी सी उठ के आ जाती थी आगे की तरफ, उसके साथ भी खेलने में काफी मजेदार वीडियो बनाई है लोगों ने। एनीवेज, यहां पर ये जो A80 है ये आपको अभी 22,000 का देखने मिल जाता है, यानी कि 42 से 22 पूरी 20,000 रुपए की डिस्काउंट है। और यहां पर ये Snapdragon 730G के साथ आता है और 22,000 की कीमत में ये एक काफी सही फोन बन जाता है। 730G के साथ एक गेमिंग बेस्ड प्रोसेसर है, अच्छा खासा मक्खन जो है गेमिंग सब चलती है, और Snapdragon का लेटेस्ट है 7 वाले लाइनअप में 730G, अपर मिड रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया प्रोसेसर है। यहां पर जो स्क्रीन आपको देखने मिलती है वो सैमसंग की भाषा में इन्फिनिटी डिस्प्ले, पूरा अंत और अनंत तक जाती है डिस्प्ले, मतलब कि इनका इन्फिनिटी का मतलब है बेसिकली कि वो इन्फिनिटी ओ या यू, मतलब कोई भी कटआउट्स वगैरह नहीं है, पूरी प्लेन एकदम मक्खनदार एज टू एज बिना कोई मतलब टिक्की विक्की के, ना काला टिक्का लगाया है फोन के ऊपर ना तिलक मारा हुआ है, मतलब कोई भी नॉच या वो छेद वेद नहीं है। तो ये मेरे को काफी सही लगती है, मतलब एनी टाइम एक नॉच या एक छेद वाले फोन से मैं एकदम एज टू एज वाला डिस्प्ले ज्यादा प्रेफर करता हूं। और इसीलिए पता नहीं क्यों मेरे को नया वाला वन प्लस वाला लाइनअप उतना पसंद नहीं आया 7 और 7T जितना, क्योंकि उसमें बिल्कुल एज टू एज मिलता था। एनीवेज, इस फोन के बारे में मैं और कुछ आपको बताऊं तो यहां पर ये आपको मिल जाएगा ओनली एंड ओनली फ्लिपकार्ट के ऊपर, क्योंकि वहां पर एक बिग बिलियन डेज इनका जो सेल चलता है हर साल वो चल रहा है और भारी मात्रा में और भी फोन्स पे डिस्काउंट है, पर ये जो है अभी तक की बेस्ट डील है जो कोई भी स्मार्टफोन में मैंने आज तक देखी अपने पूरी लाइफ में। इसमें आपको देखने मिल जाता है 6.7 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले जो कि इसकी मेन हाईलाइट है एज टू एज, जो मतलब कितना भी बार मैं बोलूं स्ट्रेस पूरा कर नहीं पा रहा हूं कि कितनी गजब की डिस्प्ले है। आपको पता है सैमसंग जो है सबसे बेस्ट डिस्प्लेज बनाता है, मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास डिस्प्लेज, इवन एप्पल अपनी स्क्रीन जो है सैमसंग से खरीदता है, तो आप समझ ही सकते हो कि उसका डिस्प्ले क्वालिटी कितना गजब का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने मिल जाती है जो आपको बेस वेरिएंट है जो कि 22,000 का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और बस एक कमी जो है अगर मैं निकालू नेट पिकिंग करूँ तो वही कि ये एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 10 नहीं मिलेगा, पर डेफिनेटली उसका अपडेट्स वगैरह आ ही जाएगा और आपको 10 अपडेट के बाद मिल जाएगा, पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 9 पाई दिखेगा। लेकिन इवन दो इनका एंड्रॉयड 9 पाई है, यहाँ पर ऊपर आपको UI देखने मिल जाएगी, वो सैमसंग की
फ्लैगशिप यूआई, मतलब जो उनके 80-90 हज़ार 1 लाख वाले फोन में जो आपको यूआई देखने मिलती है, वन यूआई 2.0, वो आपको पूरी की पूरी देखने मिल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से वन प्लस के अलावा एक मस्त एंड्रॉयड की यूआई सैमसंग वाली है, काफी ज्यादा सही है। ब्लोटवेयर वगैरह एकदम कम है, फीचर्स एकदम पेल के भरे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको एकदम गजब वाली क्वालिटी का जो यूआई मिल जाएगा। और क्योंकि ये 42,000 का फोन था, तो यहाँ पर ये लोग ने कैमरास में भी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी ऐसे कटौती वगैरह ज्यादा नहीं की गई है, आपको काफी हद तक फ्लैगशिप ग्रेड क्वालिटी के फोटोज देखने मिल जाएंगे, कलर ग्रेडिंग वगैरह जो है, और उसके अलावा HDR वगैरह काफी सही क्वालिटी आपको इमेजेस जो है उस फोन से आती हुई दिख जाएगी। इसकी जो बैटरी है वो 3700 mAh की आती है, और देखा जाए तो ये आजकल के 4000 वाला जो एक बन चुका है लाइन, उससे थोड़ी कम है, पर इसमें जो चार्जर आपको डब्बे में मिलता है वो 25 वॉट का है। अगर फॉर रेफरेंस मैं बताऊं तो OnePlus का जो पुराना डैश चार्जिंग था वो 20 वॉट का था, और अभी जो नया वाला है वो 30 वॉट का है, जिसको वो वार्प नाम दिया है। तो 25 दोनों के बीच में आप समझ लो कि काफी फास्ट ही है, मतलब काफी हद तक, ऑब्वियसली वो 50 और 60 जितना तेजी से नहीं करेगा, पर फिर भी 3700 mAh की थोड़ी छोटी बैटरी है, तो काफी जल्दी आपको चार्ज होते हुए मिल जाएगी। यहां पर आपको वाईफाई वगैरह, 4G LTE सब चीजें अच्छे से देखने मिल जाती है, लेटेस्ट वर्जन, ब्लूटूथ 5.0, और उसके अलावा जो चार्जिंग पोर्ट है वो USB का टाइप सी वाला पोर्ट है, तो सब कुछ यहाँ पर मतलब फ्लैगशिप ग्रेड का है, अगर मैं आपको एकदम ऑल इन ऑल बताऊं तो। और इसीलिए जो मेरे ख्याल से ये काफी एक सही डील बन जाती है, स्पेशली 22,000 रुपए अगर आप एक प्राइस इसको देखते हो ना, तो 22,000 में अगर आपका मतलब बजट 20 से 25 है, तो ये डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाओ फ्लिपकार्ट से अभी इसी फोन को खरीद लो, काफी सही फोन है। बस ये डील के बारे में आपको जल्दी से बताना था, और कुछ है नहीं। होपफुली आप जो है पसंद आए ये वीडियो देखकर, और आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी टाइप की भी वीडियो अच्छी लगती है, कि मैं आपको जो वेबसाइट पे चल रही कुछ ऐसी डिस्काउंट्स में से बेस्ट डील वगैरह लाके बताऊं। एनीवेज अगर आपको इस टक्कर में और फोन्स पता है तो नीचे कमेंट में लिख डालो, और कुछ आपको मस्त डील्स मिलती है फ्लिपकार्ट के अभी बिग बिलियन डेज में तो वो भी नीचे कमेंट में लिख डालो, ताकि और भी जो है पूरे मतलब समाज का भलाई हो, और बस उसमें अपना योगदान दे दो। एनीवेज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप नीचे लाइक कर दो, नए हो तो आपको पता ही क्या है पूरा ड्रिल, लाल सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो, बगल में दबा दो बेल आइकॉन, ताकि हर मेरी लेटेस्ट अपडेट्स की जो है लेटेस्ट अपलोड्स की वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और बस इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।